हम सब जानते हैं कि नोटबंदी कब हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था। हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। इन्हीं सारे सवालों को लेकर एक फिल्म बनाई गई है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कल ही रिलीज हुई अनुराग कश्यप की फिल्म चौक के बारे में। मैं हूँ आर्या और आप देख रहे हैं इग्नियस इंडिया। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि नोटबंदी की टाइम पीरियड के ऊपर बनी हुई और एक मूवी 2019 में रिलीज हो चुकी थी, ये बहुकदम स्टारर एक मराठी मूवी नशीबवान है, पर चौक एक बिल्कुल अलग और काफी रियलिटी बेस्ड मूवी है। मूवी का नाम है चौक, पैसा बोलता है, मतलब इतना पैसा बोला है इस मूवी में कि हर 2 मिनट में आपको सिर्फ पैसा ही दिखेगा। फिल्म की कहानी का मुख्य किरदार है सरिता। ये एक मिडिल क्लास लेडी है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से काफी परेशान है और एक बैंक में कैशियर का काम करती है, और हर शाम अपने घर आती है जहाँ उसका बेटा और निकम्मा हस्बैंड होता है। अब निकम्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई काम खुद नहीं करते, बल्कि एक शुरुआती सीन में दिखाया गया है कि कैसे ये अपने बेटे को उनका गीला टॉवेल सुखाने को देते हैं, कैसे इनका बेटा घर के काम खुद करता है। इस सीन के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि इन्हें क्यों मैंने निकम्मा कहा। जो 10-12 साल के बेटे से काम करवाए और इतना आलसी हो तो उसे निकम्मा ही कहा जाएगा। इस किरदार का नाम है सुशांत, जो कि रोशन मैथ्यूज ने बहुत बखूबी से निभाया है। ये पहले म्यूजिशियन थे जो सरिता को सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मिले थे, और फिर इनमें प्यार हो जाता है और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सरिता क्यों इनसे शादी करती है ये तो हमें फिल्म में बीच बीच में ऐड किए गए उनके इनोसेंट बिहेवियर और लॉयल्टी से पता चल जाता है। और फिल्म का सबसे ड्रामेटिक किरदार है जो सरिता की नेबर है ताई। अमृता सुभाष जब भी कैमरे के सामने ताई के किरदार में आई है, उन्होंने खुद की अपनी अलग छाप छोड़ दी है। टिपिकल नेबर्स के जैसे शिकायत करना या फिर अपने पड़ोसी की हेल्प करना। फिल्म में इन्हें डायवोर्स दिखाया गया है जिनकी बेटी की शादी होने वाली है। अब इस सब मिडिल क्लास लाइफ ड्रामे के बीच में एक पाइप हमेशा हमें चौक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई लोग परेशान हैं। और एक रात सरिता को उस चौक हुए पाइप में से पैसे मिलते हैं, और इस तरह कहानी के दूसरे भाग में हमें नोटबंदी वाला ट्विस्ट देखने को मिल जाता है। अब लालच बुरी बला है ये तो हम सब जानते हैं, इसके बाद क्या होगा, वो पैसे किसके हैं, ड्रेनेज की पाइप में वो कैसे आए, क्या सरिता सुशांत को इसके बारे में बताएगी या फिर ऐसे ही और पैसे लेते रहेगी, इन सब के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही मिल जाएंगे। बात करें स्टोरी की तो स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से लिखा गया है, बस और थोड़ी मेहनत होती और थोड़े पॉलिटिकल बातें कम होती तो शायद ये फिल्म सबको पसंद आ सकती थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म को लेकर हर एक का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। खैर, फिर भी कुछ ऐसे थ्रिलिंग सीन्स है जैसे कि नोटबंदी के बाद ताई का हंसते हुए रिएक्शन, फिर सरिता का स्टन हो चुका चेहरा और सुशांत का डायलॉग जिसमें वो कहता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, और फिर उसके बाद सबका गार्डन में डांस। फिल्म इस सीन के बाद सस्पेंसफुल हो जाती है और फिल्म पूरी तरह नोटबंदी के टॉपिक पर शिफ्ट हो जाती है। अब इसमें एक एक सीन को आपने खुद महसूस किया ही होगा, जैसे कि वो लंबी लंबी कतारें या ताई की बेटी की शादी में आने वाले प्रॉब्लम्स, हर सीन आपको 2016 की याद दिलाएगा। ये फिल्म देखने के बाद आपको मूवी का अंत कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि ये काफी अनप्रेडिक्टेबल था मेरे लिए। और एक बात, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शायद बहुत पसंद आए या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई जगह म्यूजिक सीन से काफी ज्यादा पावरफुल और कई जगह पे अजीब लगने लगता है, आपको फिल्म देखते वक्त पता चल ही जाएगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, बस 2 घंटे आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने पड़ेंगे। शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक मुझे देखने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आऊंगा अगले वीडियो के साथ।